भारतीय नौसेना को आईएनएस खंडेरी के रूप में नई ताकत मिली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आज पनडुब्बी खंडेरी नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि अब 26/11 जैसी साजिश कामयाब नहीं होगी। पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी को साइलेंट किलर की ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। आईएनएस खंडेरी भारत की दूसरी स्कॉर्पियन वर्ग की मारक पनडुब्बी है, जिसे P-17 शिवालिक वर्ग के युद्धपोत के साथ नौसेना में शामिल किया गया है। विश्व हिंदू इकोनॉमिक फोरम में शेयर बाजार के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला भी मौजूद रहे। राकेश ने बताया कि बेरोजगारी और इकोनॉमी की दिक्कतों को दूर करने का एक ही सॉल्यूशन है, ग्रोथ। राकेश झुंझुनवाला ने कहा कि उनका मानना है कि देश को $5 trillion की इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार सरकारी कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने से लेकर टैक्स घटाने तक का कदम उठाएगी। राकेश झुंझुनवाला कॉरपोरेट टैक्स घटाने पर भी बोले। उन्होंने उम्मीद जताई कि इससे भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। यू नो दिस $15 trillion इन यूरोप ऑन व्हिच द बैंक्स आर पेइंग 0.5% नेगेटिव रेट। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में करेंगे क्या? हिंदुस्तान नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? इफ आई कैन गिव अ 8% रिटर्न ऑन अ रोड प्रोजेक्ट विथ 3% इंटरेस्ट 5% रियल रेट ऑफ रिटर्न, आई थिंक बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स विल कम। वी विल नॉट हैव टाइम टू बिल्ड रोड्स, NHAI विल गेट सो मच मनी, बट द क्वेश्चन इज वी हैव टू हैव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। वी हैव टू सी दैट आवर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ऑनर्ड, which is what this government is trying to do.